अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ पर भी रहें हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम अपने घर वापस जा रहे हैं हस्बैंड के ननिहाल से। शादी भी ख़त्म हो गई, शादी भी हमने इंजॉय की, उसके बाद अच्छी दावतें शावतें भी खा ली, सबसे मिल भी लिया। 4-5 दिन जो है वो हम यहाँ पर रहे और अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। और ये देखें जी, बहुत ही प्यारी सी यहाँ से नहर भी गुजर रही है और हमारा सफ़र भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग व्लॉग के साथ जुड़े रहिए, व्लॉग को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से हम कल भी गुजरे थे, जब हम कल एयरपोर्ट गए थे तो कल भी मैंने यहाँ का जो है वो वीडियो क्लिप बनाया था और आप लोग के साथ शेयर किया था। ये वाली साइड जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये पहाड़, ग्रीनरी और बहुत खूबसूरत जो है ना ये सीनरी है। तो मुझे तो वैसे ही ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ भी मुझे नज़र आए मैं फ़ौरन से जो है ना उसे कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये जगह जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना सबको, मुझे तो स्पेशली ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो मैंने इसकी ना वीडियो बना ली और आप लोग के साथ भी शेयर कर दी। और ये देखिए यहाँ भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी और बहुत ही प्यारे पहाड़ हैं। ये देखें जी, ये वाला भी जो पहाड़ है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये मैंने जो है कैप्चर कर लिए, आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। जी तो हम लोग अपने होम टाउन पहुँच गए हैं, हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। बस थोड़े से डिस्टेंस पर अभी हमारा घर जो है वो आ जाएगा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और आप लोग मेरे व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। जी तो हम घर पहुंच गए हैं और अभी मैं अपने ससुराल में हूँ। यहाँ पे जी टी टाइम हो चुका है, तो टी पार्टी चल रही है। समोसे हैं, बर्गर हैं और चाय वगैरह है। तो मैंने तो ये बर्गर बहुत ज़्यादा मिस किया दुबई में। वहाँ पर हर चीज़ मिलती है, ये नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है लेकिन टेस्ट ये वाला नहीं होता ना। बर्गर भी मिलते हैं, समोसे भी मिलते हैं लेकिन ये वाला टेस्ट नहीं होता। तो मुझे तो मतलब ये पाकिस्तान की चीज़ें ना बहुत याद आती हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद जी अभी मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, क्योंकि जब हम आए थे तो बस उसी दिन उनसे थोड़ी देर के लिए मिले थे, उसके बाद बिल्कुल भी उनसे जो है उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। तो अभी मैंने सोचा कि उनकी तरफ चलते हैं और रात जो है उनके साथ गुजारते हैं। फिर सुबह फिर हमने एक और दावत पे चले जाना है, तो चलो
थोड़ा सा टाइम उनके साथ भी स्पेंड कर लेते हैं। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से फूल भी लगे हुए हैं, और ये जो है मेरी शादी से पहले हमने लगाए थे, अम्मी ने और मैंने, बहुत ज़्यादा ये वाले फूल लगाए थे अपने घर में। तो अब ये माशाल्लाह एक साल में जो है पूरे घर में फैल गए हैं। आपको मैं दिन टाइम भी दिखाऊंगी, हमारी गली में भी लगे हुए हैं, और जब इंटर हों तब भी ना साइड पर लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और अभी हम लोग डिनर करने लगे हैं, तो आज जो है अम्मी ने बनाया अचार गोश्त, और साथ जो है वो रोटी बन रही है। तो आज जो है वो 1.5 साल के बाद माँ के हाथ का खाना खाएंगे, और बहुत ही मज़े की मेरी अम्मी कुकिंग करती हैं, और मैंने भी अम्मी से कुकिंग सीखी है। और अम्मी जो है बहुत मज़े के खाने बनाती हैं, सब उनकी ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि वो खाना बहुत मज़े का बनाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो डिनर लग चुका है, और बॉयल राइस भी है, सालन रोटी, अचार गोश्त जो है वो बना हुआ है, सैलड वग़ैरह भी है, रोटी भी बन गई है। तो बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रा से ज़रा सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और अपनी दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।